May I come in, sir? Welcome. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, Gazal. Have your seat, please. Thank you, sir. Yes, sir. Gazal, you have come here for airport station attendant interview, right? Yes, sir. So, are you ready to give this interview? Sure, sir. We'll be asking you lot many HR questions here. So, are you comfortable in giving all the answers? Yes, sir.

ऑलमोस्ट आपको वीडियोस दे रखे हैं आप उन वीडियोस को देखिए स्टूडेंट्स इवन स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो गजल सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ गजल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट के लिए आई है तो इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल दीजिए सर हमारा मेन अल्टीमेट ये होता है कि हम पैसेंजर्स की हेल्प करें okay. कुछ एज पीपल होते हैं उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल. कुछ लोगों की क्वायरिज होती है कि हमें कहाँ जाना है किधर वाली साइड जाना है बहुत सी डायरेक्शंस होती है सो so, उनकी हेल्प करना किसी की फ्लाइट लेट होती है किसी की डिले होती है सो so, उनको हम सीट भी प्रोवाइड करते हैं अच्छे से एंड फूड बाकी सर्विसेज ओके ओके वंडरफुल आपने जो वर्क प्रोफाइल बताया वो बिल्कुल एज अ हेल्पर यू आर देयर अच्छा आपको नहीं लगता कि आपकी जो एजुकेशन है

Job करनी चाहिए। job is more जी सर सर मुझे मोनो ग्रैंड जॉब पसंद नहीं है टेन टू फाइव वाली पसंद नहीं है मुझे नए लोगो ऐसी मिलना उनसे बातचीत करना ज्यादा पसंद है।, so, okay. मेरे मेरे को अच्छी लगी है और आप डे शिफ्ट में काम करना पसंद करते हैं नाइट शिफ्ट में सर बहुत

दरअसल आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट में वो रहता है पैसेंजर्स में मोबाइल असिस्टेंस का तो मोबाइल असिस्टेंस के अंदर ऑब्वियस है कि आपका अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मोबाइल रिलेटेड कैसे हेल्प करेंगे अपने पैसेंजर्स में तो आप किस तरीके से मतलब मोबाइल का आपको कितना नॉलेज है सर मुझे अच्छा नॉलेज है एंड मैं इंटरनेट वाईफाई अच्छे से कनेक्ट कर देती हूँ मेल्स भी अच्छे से कर देती हूँ एंड मेरी टाइपिंग भी बहुत फास्ट है चलिए ये अच्छी बात है भाई क्योंकि यू आर सपोज टू हेल्प द पैसेंजर्स ऑफ वियर अच्छा जानते हैं आप कई बार पैसेंजर्स में एक छोटे बच्चे होते हैं तो मदरसार अनेबल टू कैरी दैम या फिर उनके पास ये मान लीजिए कि कुछ सामान ज़्यादा हो गया या कुछ बात ऐसी हो रही है जिससे वो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है उस समय सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेल्प बनती है हम उन्हें ट्रॉली देते हैं एंड okay. उनका जो लगेज होता है वो हम उसके अंदर रखते हैं एंड उनको जहाँ जाना है सीटिंग बैठना है बोर्डिंग पास पे जाना है तो हम उनको वहां पहुँचा देते हैं ओके okay, okay. ओके है कि आप उन्हें टाइम पर अवेलेबिलिटी करवाए गुड गजल आप ये बताइए कि आपको गुस्सा कितना आता है

जी सर एडवांटेज ये है कि एक डायनेमिक जॉब है हर किसी का सपना होता है कि हम एयरपोर्ट पे जॉब करें okay. हम यहाँ पे नए लोगों से मिलते हैं नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं एंड लोगों की हेल्प भी करते हैं एंड सैलरी वाज आल्सो गुड एंड डिसएडवांटेज ये है कि, कि किसी को होम सिकनेस होती है वो अपने घर नहीं जा पाते जैसे फेस्टिवल पे वगैरह पे सो उनको ये फील होता है कि ये जॉब पे हम आके फंस गए हैं okay. सो ये भी होता है एंड मेरे में होम सिकनेस नहीं है मैं कहीं भी जा सकती हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है यानी कि ये डिसएडवांटेज आपको नहीं लगती

ओके दैट्स गुड अच्छा देखिए यू यू नो आर अ हु इज कमिंग इन दिस जॉब तो आपकी yes. कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी होगी तो व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस सर मेरे लिए वर्क पहले है सैलरी कुछ भी हो मुझे चलेगा बट मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज नेसेसरी फॉर मी सो सैलरी कुछ भी हो मेरे को ये जॉब चाहिए ओके सो यानी कि आपके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना ये जॉब और ग्रोथ है आप जानते हैं कि कभी जरूरी नहीं होता कि ये जॉब में आपको ही हम सिलेक्ट करें तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सिलेक्टेड इफ आई एम नॉटेड आई विल कम टू नो माई वीकनेस आई विल वर्क अपॉन इट एंड आई एम गेट सिलेक्टेड इन माई नेक्स्ट इंटरव्यू Okay. I believe in try, try, try again. That's good. And you know there are different different personalities in this world. Some are positive, some are negative. So what type of people you can deal easily? Sir, I'm a versatile person and मेरे को versatile persons के साथ ही work करना ज़्यादा पसंद है and positive people के साथ मैं deal कर सकती हूँ. But अगर negative है तो उनके अंदर negative negativity निकालने का मेरे को अगर मिलता है तो मैं ज़रूर निकालूँगी अंदर negativity and शायद मेरी positivity देके वो inspire हो और अपनी negativity निकाल दे. दैट्स गुड बहुत पॉजिटिव गर्ल है आप यस सर गुड गजल आप एयर होस्टेस के लिए क्यों नहीं गई आप एयर होस्टेस भी तो बन सकते हैं जी सर uh, मैं में हाइट का फोबिया है एंड okay. जब मैं एक दो बार प्लेन पे बैठी तो मुझे बहुत डर लगा okay. क्योंकि मेरे आसपास कुछ नहीं था सो मुझे लगा कि मैं ग्राउंड जॉब ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ एंड okay. मेरे को एयर होस्टेस का सपना था बट वो हाइट की वजह से नहीं पूरा हो पाया ओके ओके बट आई थिंक अगर वो आपका फोबिया हट जाता है तो एयर हॉस्टल्स इज ऑल्स अ गुड जॉब फॉर यू बट सिंस अगर आप एयरपोर्ट पर एक बार आ रहे हैं तो हो सकता है थोड़े सालों में आप जॉब का एक्सपीरियंस एक लेकर जैसे ऑलरेडी मेरी एक स्टूडेंट है हमारी सिटी की है श्री गंगानगर की और उन्होंने पहले एयरपोर्ट पर जॉब किया करीबन वन ईयर और उसके बाद अब वो बहुत अच्छी एयर हॉस्टल्स एज अ वर्क कर रही है सो इट्स अ गुड साइन सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एंड यू डेवलप बाई दैट टाइम योर स्किल्स और अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो आप कर सकते हो

तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इंटरवर को पहले आप थैंक्स दीजिए आप बोलिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी और उसके बाद अपनी क्रेडेंशियल्स बताइए अपनी अचीवमेंट बताइए जो भी आपने अभी तक अचीव किया फॉर एग्जाम्पल आपने प्लस टू किया है आप प्लस टू बता सकते हैं आपने ग्रेजुएशन किया आप ग्रेजुएशन बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, आप हाईलाइट कीजिए अगर आपने कुछ अवार्ड्स जीता है कोई अचीवमेंट किया है चाहे डांसिंग में परफॉर्मेंस किया है तो आप वो परफॉर्मेंस भी अपनी बता सकते हैं वो भी एक बड़ी उपलब्धि होती है चलिए हम गजल से पूछते हैं गजल आपकी कुछ अचीवमेंट्स है बताइए हमें कुछ जी सर सर मैं सुपर डांसर चैप्टर थ्री के मेगा राउंड तक तो गई हूँ एंड लास्ट ईयर श्रीगंगानगर में अपराजिता टू थाउजेंड ट्वेंटी की विनर रह चुकी है एंड उसके अलावा ए टी आई एडवांस टैलेंट इंडिया जयपुर में उसका फाइनल हुआ उसकी टॉप थर्टी में मैं रह चुकी हूँ एंड उसके अलावा मैंने बचपन से काफी अवार्ड वगैरह जीते हैं एंड मैं एज ए शोज जीत चुकी हूँ Wow, that's great. तो ये achievements जो मुझे लगता है गजल ने बताई अगर आपके पास भी कोई ऐसी अचीवमेंट है दोस्तों तो बिल्कुल आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं और इन अचीवमेंट्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों अगर आप और भी कुछ बातें बताएं। फॉर एक्साम्पल जैसे गजल ने बताया मैं versatile personality. Versatile का meaning होता है दोस्तों हर जगह एडजस्ट होने वाला तो ये word आप कर लें अपनी dictionary के अपनी के अंदर। और में तो कुछ डाल ही वर्किंग ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसे कुछ वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में होने ही चाहिए। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और अच्छा होता है और मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बहुत पोलाइटली बोलिए सॉरी सर एट प्रेजेंट आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन या फिर सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और मान लीजिए यदि आपको कोई क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है समझ नहीं आ रहा है तो आप इंटरव्यूर को बोलेंगे सर मे आई बैग योर पार्डन प्लीज आप ये भी बोल सकते हैं सर पार्डन प्लीज ये भी चलेगा बट जब आप बोलते हैं मे आई बैग योर पार्डन प्लीज तो ये ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा डेलीकेट और ज्यादा इफेक्टिव लगता है तो आप ये यूज करेंगे इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इंटरव्यूर आपको आंसर देते हैं फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आपने तो सॉरी फील कर दिया मगर कभी कभी वो आपको उसका आंसर दे देंगे तो आपका फर्ज क्या बनता है आपका फर्ज बनता है उन्हें धन्यवाद देने का अभी धन्यवाद कैसे दिया जाता है ये लाइन आप लिख सकते हैं जॉट कर सकते हैं प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं आप कह सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज यानी कि सर मेरे नॉलेज को अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप इस तरीके की एक्टिविटीज फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है और खास करके एयरपोर्ट जॉब्स में वो आपकी वीकनेस को जरूर पूछेंगे और अपनी वीकनेस कभी भी आप मेजर नहीं बताएंगे आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मुझे गुस्सा बहुत आता है या फिर मैंने भी ये क्वेश्चन गजल से पूछा था कि आपको गुस्सा कितना आता है तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कितना गुस्सा आपको आता है तो यहां पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए सर मुझे थोड़ा आता है या बिल्कुल नहीं इन्होंने सही बोला जवाब कि सर आई मै कूल एंड काम का इसके अलावा आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर आई डोंट कि यानी कि मैं इम्पेशलिटी हूं क्योंकि जिसके पास धैर्य नहीं है तो वो लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकता यू शुड है पेशेंस तो उसके पास पेशेंस होना चाहिए तो आप ये भी वीकनेस नहीं बताएंगे हां माइनर वीकनेस बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अगर एयरपोर्ट जॉब्स में आ रहे हैं आप कह सकते हैं आई नीड टू इंप्रूव माई हैंडराइटिंग सर मुझे मेरी हेडराइटिंग थोड़ी इंप्रूव करना लगता है अब देखिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इसलिए मैंने हेडराइटिंग वर्ड यूज किया इस तरीके से आपने वीकनेस को बता सकते हैं गजल आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया गजल ओवर नाउ यू कैन गो थैंक यू सर थैंक यू सर